खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात उस खतरे की जो हर घर में पहुंच रहा है, ये सच एक विशेष स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सामने लेकर आए हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि देश में कैंसर जैसी बीमारी तेजी से बढ़ी है? जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जिन्होंने कभी पान मसाला, तंबाकू, गुटखा नहीं खाया, उन्हें अचानक पता चलता है कि कैंसर हो गया है। जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उन्हें एक दिन पता चलता है कैंसर हो गया। आखिर देश के घरों में कैंसर की ये बीमारी दबे पांव कैसे दाखिल हो रही है, इसके पीछे का सच आप ध्यान से सबसे पहले देखिए और पूरी रिपोर्ट देखते हुए समझिए, क्योंकि जल्दबाजी कई बार अच्छी जानकारी से दूर कर देती है। लोहे को काटने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या सिगरेट जीवन भर ना छूने वालों को वही गैस कैंसर दे रही है? जो गैस लोहे की मोटी चादर को छेद कर दो टुकड़े कर देती है। क्या जिंदगी में कभी गुटखा ना खाने वालों को उसी गैस से कैंसर हो रहा है? जो गैस लोहे की मोटी सी चादर में चंद सेकंड के भीतर सुराख करने में कामयाब हो जाती है, क्या पूरे जीवन में कभी तंबाकू ना खाने वालों को उसी गैस से कैंसर की बीमारी हो रही है? भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ एक सर्वे बताता है कि 2012 से 2018 में फेफड़े के कैंसर वाले 50% मरीज कभी भी सिगरेट ना पीने वाले लोग थे। तो क्या ताजे फल चुनकर ही खाने वालों को कैंसर हो जा रहा है? क्या 70 रुपए की चीन वाली पुड़िया शरीर में जहर घोल रही है? क्या 700 रुपए की चीन की बोतल शरीर में कैंसर फैला रही है? आज आपके सामने यही सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन एक छिपा हुआ कैमरा लेकर निकले। क्योंकि आप अपने शहर में जिस केले को ताजा समझकर खरीदते हैं, जिस केले को खरीदते वक्त कार्बोहाइड्रेट और खून में वृद्धि से शरीर को ताकत पाने की सोचते हैं, वही केला क्या वाकई सुरक्षित होता है? ये सच सामने लाने के लिए वरुण जैन दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में केले के बड़े व्यापारियों की दुकान के भीतर पहुंचे, जहां हरे कच्चे केले दिखे, लेकिन यहां कच्चे केले आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पकाकर बाजार में पहुंचाने की तैयारी हो रही है। कैसे भैया? 42 रुपए दर्जन। 42 रुपए दर्जन? ये सब तैयार माल है? नहीं, तैयार वाला ही है। ये वाला तैयार हो रहा है। ये जो माल आज करोगे शुरू, तो कब तक तैयार हो पाएगा? ये मिलाने के बाद भी 4 दिन लग जाता है। ये कल की कटी हुई है। ये कल का माल है? और ये केमिकल ना लगे तो 10 दिन में भी नहीं होगा फिर तो तैयार? नहीं होगा। क्या है ये कार्बाइड होता है? नहीं, केमिकल है, पानी में तैयार हो रही है। केमिकल है, पानी है और आम आदमी के शरीर में जहर पहुंचाने का इंतजाम है। यहाँ एक बोतल से एक ढक्कन केमिकल मिलाया जाता दिखा, फिर बोतल से सीधे थोड़ा और केमिकल डाला गया और फिर एक एक करके कच्चे केले को इसी केमिकल के पानी में मिलाया जाने लगा, एक जहर फैलाने वाली केमिकल बोतल से। इसको कितनी देर केमिकल में डुबोएंगे? अच्छा, डालते जाओ निकालते जाओ, देर थोड़ी लगेगी। फिर उसके बाद
इसके बाद 24 घंटे के बाद बर्फ लगा दो। बर्फ लगा दो तो ये जो केमिकल मिलाया है ये क्या केमिकल होता है? क्या केमिकल होता है? केमिकल होता है भैया। सुबह तुम्हारे को गुस्सा हो रहा था ना, ऐसे बोलोगे तो गुस्सा ही होगा ना, क्या होगा? तो बिना केमिकल के खाली बर्फ में नहीं पक पाता? दवा लगेगा तभी पकेगा। दवा लगेगा तो ही पकेगा, बर्फ लगेगा उसके बाद बर्फ। अच्छा 24 घंटे तक इसी में ऐसी खुला रखोगे केमिकल लगा कर? दुकान पे पानी में 24 घंटे। यहाँ आप जान लीजिए कि फलों के खुद पकने का सिलसिला बेहद प्राकृतिक होता है। फल खुद एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के तहत पकते हैं। जब फल पूरी तरह विकसित हो जाता है तो उसके भीतर एथिलीन गैस का निर्माण होता है, साथ ही फल के अंदर मौजूद अम्लों का विघटन शुरू हो जाता है। इस जैव रासायनिक प्रक्रिया के तहत केले को प्राकृतिक रूप से पकने में 12 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन चूंकि प्राकृतिक रूप से फल को पकने में लंबा वक्त लगता है और प्राकृतिक रूप से फल पकता है तो वजन में कमी भी आती है, इसलिए जल्द और बड़े मुनाफे के लालच में व्यापारी जहरीले रसायन से फलों को पकाने लगते हैं, और इसके लिए ऐसी केमिकल वाली बोतलें बाजार में आसानी से बिकती हैं जिनकी कीमत 700 रुपए होती है। फलों को पकाने वाले इस केमिकल में केले को डालने के बाद उसे बर्फ पर रखा जाता है। क्यों, सुनिए। बर्फ क्यों लगानी पड़ती है जब एक बार केमिकल गरमाई दिया जाता है ना? गरमाई लग गया, अभी ऐसे लगा देंगे तो पानी सूख जाएगा। हाँ। पानी सूखने के बाद तो बर्फ लगाते हैं, तभी कलर आता है, कलर नहीं आएगा इससे। अच्छा, तब कलर नहीं आएगा अगर बर्फ नहीं लगेगा? नहीं होगा। और पक किस केमिकल से जाएगा? हाँ, पकाने के लिए दवा है और कलर लाने के लिए बर्फ है। अच्छा अच्छा अच्छा, पेड़ का पका कभी नहीं आता? पेड़ का पका यह चलेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। इस दुकानदार के पास हमें केमिकल से पके हुए केले भी दिखे, जो दिखने में बिल्कुल किसी साधारण ताजे केले की तरह दिखते हैं। लेकिन ये केमिकल वाला केला लगातार खाते रहने से क्या हो सकता है, सुनिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से। आर्टिफिशियल राइपनेस वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना मिले, क्योंकि अगर आपने उसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं तो मेरे हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, कैल्शियम कार्बाइड डाला है तो मेरे को आगे जाके लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है। फलों को जहरीले केमिकल से पकाए जाने को लेकर आजादपुर मंडी में एबीपी न्यूज ने केले के एक खुदरा विक्रेता से बात की। शंभव नाम के इस दुकानदार का कहना है कि उसे नहीं पता कि केले को केमिकल से पकाया जाता है। तो ये तो गोदाम वाले के पता होंगे ना, हम तो खरीद के लाते हैं वहाँ से। ये तो स्टोर वाले जो है उनको पता होगा कैसे पकाते हैं, कैसे क्या करते हैं। हम तो यहाँ से खरीद कर ले आते हैं, यहाँ बेचते हैं। आपको जानकारी नहीं? तो नहीं। अच्छा, नहीं, ये तो जो पकाता है उसको पता होगा ना, मेरे इसके पता नहीं है। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि कैसे केमिकल से पकाया जा रहा है फल और सब्जियों को, और सिर्फ केला ही नहीं, सेहत के लिए फायदेमंद पपीते को भी पकाने में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप सीधे सीधे शरीर में ले रहे हैं जहर। मटर में लग रहा है, गोभी में लग रहा है, भिंडी में लग रहा है, पूरी मंडी क्या चीज ऐसी लगना ही रहा। अच्छा, पपीते में लग रहा है, सब में लगता है केमिकल। अच्छा, आप पूरी मंडी में जा पकड़ो, किसको पपीते में पकड़ लो। मटर में भी लगता है? मटर में, मटर में लगाने की क्या जरूरत है? मटर हरा हो जाता है एकदम बढ़िया, हरा टाइट रहेगा। अच्छा, हरा फल हो जाता है उसमें भी? सुना मैंने परमल में भी लगता है। हाँ, सब में लगता है, भिंडी में भी लगती है, खीरा भी लगता है। अच्छा, रंग लगा देते हैं। कहाँ पर होगी दुकाने? ये पीछे है सर। संवाददाता वरुण जैन के सामने छिपे हुए कैमरे पर खुलकर ये दुकानदार बता रहा था कैसे फल हो या सब्जी सब चीन के जहर से पक जाते हैं। और ये है वो चीन के जहर वाली पुड़िया। चीन की यही पुड़िया आपके शरीर में जहर फैला रही, जिसका सबूत मिला एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में, जब वरुण जैन ने
पपीता जहर से पकाने में जुटे दुकानदार को छिपे हुए कैमरे में कैद किया। ये देखो ऐसे करके लगा रहा हूँ, अब इसमें मसाला देखो करके लगा मसाला डाल रहा हूँ। मसाला कहाँ लगा हुआ है मसाला? अच्छा अखबार ये रहा, इन सब में लगा हुआ है मसाला? हाँ सब में, अब ऐसे लगा दिए। कैसे लगाओगे, कैसे लगा के दीजिए? इसी दाना इसे देखने चले जाते हैं। अच्छा बीच बीच में ही रख देते हो? बीच बीच में मैंने दो तीन तगार लगाया तो दो पुड़िया तीन पुड़िया डाल दी, अपने माल पर से तैयार हो गया। दो दिन में निकालना है, कल नहीं परसों उसको निकाल देना। कल परसों में निकल के तैयार हो जाएगा? है कल परसों में पक के तैयार हो जाएगा। क्या है, क्या ये कार्बाइड है क्या? नहीं, चाइना, चाइना से आने लगा है कार्बाइड, तो सब छोड़ दिया अब लगाने। क्यों? पहले तो उसी से पकता था, हाँ अब उसको छोड़ दिया, कुल पकड़ने धकड़ने लगा था। अच्छा पकड़ धकड़ होने लगी थी उसमें बहुत ज्यादा, हाँ छोड़ दिया सर। फिर अब यही चाइना पका था। इसमें पकड़ धकड़ नहीं है? ना इसमें पकड़ना था, इसमें दरअसल देश में कार्बाइड से फलों को पकाना गैर कानूनी है, तो अब चीन से आने वाली ऐसी पुड़िया का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है जिसमें कार्बाइड ही होता है, लेकिन कोई देखने पूछने वाला नहीं है। चीन से आने वाली इसी पुड़िया को कागज में लिपटे कच्चे पपीतों के बीच में रखकर जहर से पपीता पकाया जाता है, जिसे आप पक्का मीठा पपीता समझकर चाव से खरीदते और खाते हैं। कैसे है ये पपीता, फ्रेश होगा ना? संभव है आपके मन में सवाल होगा, पपीता चीन से आए कैल्शियम कार्बाइड से पक रहे हैं तो लोहे काटने वाली गैस से क्या रिश्ता? इसके लिए आपको चोरी छिपे चीन की कैल्शियम कार्बाइड वाली पुड़िया से फलों को पकाने वाली पूरी प्रक्रिया जाननी होगी। दरअसल कैल्शियम कार्बाइड नमी से मिलते ही एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिसकी गर्मी को पाकर कोई भी फल पकने लगता है। दरअसल एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल लोहे को काटने या फिर लोहे को जोड़ लगाने के दौरान वेल्डिंग में किया जाता है, यानी जो गैस लोहे को काटने में प्रयोग होती है वही फलों को पकाने का काम भी करती है, और उसी लोहे को काटने वाली गैस से पका फल देश की आम जनता खाने को पाती है। हम दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे, पपीता बेच रहे एक दुकानदार से हमारी बात हुई। दुकानदार का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी है कि जिस केमिकल का इस्तेमाल फलों को पकाने में किया जा रहा है वो कितना नुकसानदेह है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आजादपुर मंडी में और आप मेरे ठीक बगल में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो कच्चे पपीते आए हैं और किस तरीके से इन कच्चे पपीतों को यहाँ पर पकाया जाता है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर होलसेल की जिनकी दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि आप लोग के यहाँ सारे कच्चे पपीते ही आते हैं? 5 दिन में आ रहे हैं यहाँ से। अब इसमें गाड़ी में 30% 20% तो वैसे ही पक जा, और फिर यहाँ से कच्चे की सप्लाई है, लोग ले जाते हैं वो पकता है। कहाँ कहाँ से मंगाते हैं आप लोग पपीता? हैदराबाद से भी, कर्नाटक से भी, आंध्र के इलाके में से आवे सारा। अच्छा ये बताइए कि जब कच्चे पपीते यहाँ पे आते हैं उनको किस तरीके से आप लोग पकाते हैं? वो कुछ तरीके तहखाने में बेस्टमेंट में नीचे है, उसे घास से दापते हैं, रद्दी लगाते हैं उस पर, उसकी गरमाई से ये खुद पक जाता है, क्योंकि 50% तब तुम देख रही हो ना इसमें पक्का भाई आधा। बाकी ये भी बताइए कि केमिकल वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, कार्बाइड जैसा कुछ यहाँ पर? सबसे पहले था केमिकल का, अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ ऐसे ही पक रहा है, लोग ले जाते हैं यहाँ से फिर वो पकाते हैं खाए। जैसे कि अभी हमने उन भाई साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि मसाला लगाते हैं बेसमेंट में ले जा करके, तो किसी तरीके का केमिकल होता है तो उसको लगाते हैं, फिर वो 2 से 3 दिन के अंदर पक जाता पपीता, फिर उसको बाहर मंडी में बेचा जाता है। लोग ले जाते हैं यहाँ से कच्चा, अभी ले जाएंगे वे पकाएंगे, वे भी गर्मी से नीचे, गर्मी से पक जाता है, आधा गाड़ी में 5 दिन में आती है। तो केमिकल का भी तो इस्तेमाल होता होगा ना? नहीं केमिकल का अब नहीं होता, पहले हो गया था सबसे पहले वो। दरअसल कल हम लोगों ने भी स्टिंग किया था जिसमें पूरा बकायदा दुकान वालों ने भी बोला कि पूरी मंडी में यही होता है कि कार्बाइड पहले इस्तेमाल होता था, अब चाइना से कोई केमिकल है वहाँ से आता है उससे आप लोग पकाते हैं, तो ये भी क्या आप लोग भी इसी तरीके से? आता है वो, बहुत से पकाते भी हैं, लेकिन अब वो
यहाँ नहीं चलता, वो बंद कर दिया था पीछे, गवर्नमेंट ने भी यहाँ बतेरी वो हुआ था, लेकिन बंद हो गया। अब तो गर्माई से पक जा, गर्मी है बहुत। तो आप लोगों का ये कहना है कि जो मसाला, अच्छा अगर मैं जनरली पूछना चाहती हूँ, जो मसाला इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरीके का मसाला होता है? कि जैसा कि उन भाई साहब ने बताया कि मसाला हम लगाते हैं उसको, कोई पुड़िया वगैरह रखते हैं जिससे 2 से 3 दिन में पक जाता है, तो क्या होता है मसाला, किस तरीके से होता है? अब वो तो जो कंपनी दे रही है, जो आ रहा है चाइना से, उससे मालूम हो क्या है उसमें क्या नहीं। यहाँ तो जो लगाते हैं आम में, उसे पानी में भिगोया और लगा दिया आम में। दरअसल हमारे देश में एसिटिलीन गैस से कृत्रिम रूप से फल पकाने को मंजूरी दी गई है, लेकिन एसिटिलीन गैस से फलों को एक नियंत्रित प्रक्रिया में पकाना महंगा पड़ता है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड 60 रुपए किलो में मिल जाता है। 25 किलो फल गैर कानूनी केमिकल से पकाने में 5 रुपए खर्च होता है। तो क्या इसी वजह से देश के नागरिकों को चाहे कैंसर हो या फिर जान चली जाए, कोई देखने वाला क्यों नहीं? आम का सीजन अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन गर्मियों में आपने जो आम खूब चाव से खाए होंगे, क्या आपको पता है वो आम कैसे पकाए गए? कोई डाल के पके हुए आम आपने नहीं खाए, वो आम कैसे पके आप देखें, उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। पिछले साल गर्मियों में बरेली के पुलिस थाने में आम को पुलिस ने सील करके जांच की। आम सील करने के बाद आम बेचने वाले के अंगूठे के निशान उस आम पर लिए गए, क्योंकि बरेली के अस्पताल में भर्ती ये वो बच्चे थे जिन्होंने आम खाया और इनकी जान पर बन आई। बरेली में आम खाने वाली 6 साल की अनुष्का की मौत हो गई। आरोप लगा जहरीले केमिकल से पका आम खाने पर बच्ची की मौत हुई है। आम खाने से एक बच्चे की डेथ हो गई है और 4-5 बच्चे बीमार हैं। उसे हमने सैंपल लिया है, उसमें जो भी रासायनिक पदार्थ यदि पकाने के लिए यूज हुआ है ट्रेस होता है, तो उसके बाद उसमें उसी तरह से फिर से एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दावा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में आम पकाने के लिए धड़ल्ले से कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता रहा, और इससे नुकसान क्या होता है सुनिए। कैल्शियम कार्बाइड से आपकी एसिटिलीन गैस निकलती है, दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमन, और ये स्पेशली दिमाग पे असर डालती है, न्यूरो सिस्टम पे असर डालती है। इससे हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एंड अगर ज्यादा दिन इससे एक्सपोजर हो जाए तो ये मेमोरी लॉस भी कर सकती है। तो सवाल ये कि क्या फलों को सुरक्षित तरीके से पकाने का सिस्टम देश में नहीं है, या फिर मुनाफे के लालच में जनता को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जहरीले केमिकल से पके फलों के जरिए दी जा रही है? देश में जिस एथिलीन गैस से आम को कृत्रिम रूप से पकाने की मंजूरी है, वो सिस्टम कहलाता है राइपनिंग चैम्बर, जो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह के राइपनिंग चैम्बर में एक निश्चित पैमाने पर एथिलीन गैस के जरिए आम, केला, पपीता तक को सुरक्षित तरीके से कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। 11 क्यूबिक मीटर के रैपिंग चैम्बर में 1000 किलो फल को पकाने में 1,00,000 रुपए का खर्च आता है। रैपिंग चैम्बर महंगा होने से लोग जानलेवा तरीके से जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करके फल पकाते हैं, जिसकी कीमत धीमे जहर के रूप में अपने शरीर के भीतर पाकर आम आदमी बीमार होकर चुकाता है। तो हमने आपको दिखाया कैसे आम को, पपीते को जहरीले केमिकल से पकाया जाता है। अदरक की कहानी तो और भी भयानक है। साफ सुथरी अदरक देने के लिए तेजाब का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, तेजाब का इस्तेमाल। सोचिए कितना खतरनाक है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में संवाददाता वरुण जैन पिछले दिनों जब पड़ताल करने पहुंचे, तब छिपे हुए कैमरे में कैद किया था कैसे साफ सुथरी अदरक जनता को बेचने के लिए उसे तेजाब से धुला जाता है। ये रहा सीसी कटा हुआ। अच्छा, दिखा देना जरा। दुकान में मिल जाएगा ना? सुगंध होता है, इसमें सागर होता है। मार का लेबू नहीं होता वो, जैसे नहीं साइकिल पर बेचता है बाथरूम साफ करने के लिए। हाँ हाँ, उसी में भी होता है। अदरक खरीदने वाला खरीदार बनकर पहुंचे वरुण जैन के सामने ये व्यापारी खुद दिखा रहा था कैसे तेजाब को पानी में मिलाकर उसी तेजाब से अदरक को साफ करके बेचा जाता है। है क्या ये? इसे नमक तेजाब है। तेजाब है? हाँ, नमक तेजाब जो लेटिंग में साफ होता है, लेटिंग साफ होता है ना, वही तेजाब है। वही तेजाब है। व्यापारी की दलील है कि तेजाब से धुली साफ अदरक ज्यादा दाम पर बिकती है, और तेजाब का इस्तेमाल सिर्फ अदरक नहीं, हर फल और सब्जी पर किया जाता है।
कौन ऐसा चीज में नहीं तेजाब पड़ रहा, सेब अंगूर संतरा केला वगैरह जो चीज का उची में दिखा देता हूँ। सेब में डाल रहा तुम्हें जाके, मतलब कि फुहारा जो नाई जो मतलब मारता है वो वाली, उसमें डाल करके फुहारा मार देता है, लाल लाल दिखाई देता है, टूट टूट दिखाई देता है। मंडी प्रशासन, खाद्य विभाग देश में बने हैं। इन विभागों के दर्जनों अधिकारियों को जो वेतन मिलता है वो आम आदमी टैक्स के रूप में सरकार को देता है। जनता खुद अगर सब्जी फलों का टेस्ट करे कि ये सुरक्षित हैं, ये तेजाब वाले जहर से धुले तो नहीं है, तो फिर सरकारी व्यवस्था क्या करेगी? कैसे सरकारी व्यवस्था आंखें बंद करके चलती है, सुन लीजिए। हर हफ्ता में 5 किलो तरह चाहिए, हफ्ता में 8 दिन में 10 दिन में 100 नंबर वाला आएगा, फोन कर देगा तो भाई फोन सुन जाए पहुँचा दे। देश की मंडियों में मुनाफे के लिए फैलाया जा रहा यही जहर भारत में हर धर्म के लोगों को कैंसर तक की बीमारी दे रहा है, लेकिन ये मुद्दा कोई राजनीतिक दल नहीं बनाता। जरूरी है ऐसे जहर से मुक्ति दिलाने का भी मुद्दा देश में उठे, जहाँ जनता को चीन के जहर से पके फल और सब्जी खाने की जरूरत ना पड़े। दिल्ली की आजादपुर मंडी में हमने फल खरीदने आए एक ग्राहक से बात की। आपको उस ग्राहक की बातें सुनकर हैरानी भी होगी और दुख भी होगा। ग्राहक ने साफ कहा कि हमें पता है कि हम जो खरीद रहे हैं उसमें जहर है, लेकिन कोई तो बताए आखिर इसका विकल्प क्या है, हम क्या खाएं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे मेरे सामने है केले का यहाँ पर ठेला है और यहाँ पर लोग यहाँ केला खरीदने आए हैं, लेकिन केले को किस तरीके से पकाया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे वो मंडी में आती है, इसी के लिए हम बातचीत भी करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप जो है फल के रूप में एक तरीके से अपने अंदर एक जहर अपने अंदर ले रहे हैं। नहीं पता है मैडम, लेकिन इसके अलावा और क्या विकल्प है? अगर आदमी को जिंदा रहने के लिए सड़े मांस भी खाना पड़े तो खाएगा, जान देने से बेहतर है कि खाएगा। आप बता दो कि हमारे सिस्टम में ऐसा क्या है कि जो कि आम लोगों को ये पता चल पाए कि कौन सी चीज़ें खाने लायक है कौन सी चीज़ें नहीं खाने लायक है।